क्या पोल्ट्री फार्मिंग प्रॉफिटेबल है, ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। पोल्ट्री फार्मिंग प्रॉफिटेबल तो है, बट किसके लिए, यही जानने के लिए आज हम अपना फार्मिंग बिजनेस का कंसल्टिंग के नॉलेज को यूज करते हैं और ये आपको फिगर आउट करने में मदद करते हैं कि आप फूड चेन में कहां पे रहोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा इस पोल्ट्री के इंडस्ट्री में। पोल्ट्री एज अ इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल तो बहुत है, बट किसके लिए, आपके लिए या उन लोगों के लिए जो स्पेशलाइज जगह पे रहते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पैसे का फ्लो किधर से किधर होते हुए जा रहा है, और यही चीज समझने के लिए हमने पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए अलग अलग किसानों से बातचीत करी। जो फार्मर पोल्ट्री में बॉयलर मुर्गी का काम करते थे मीट के लिए, उनसे भी मुलाकात करी, और जो फार्मर पोल्ट्री में अंडों के लिए लेयर फार्मिंग करते थे, इनका भी हमने प्रॉपर इन डेप्थ रिसर्च किया, और उसके बाद हमें ये सारी बातें पता चली। तो जैसा कि आप इंटरनेट में देखेंगे कि ज्यादातर जो किसान जो पोल्ट्री में फेल हो जाते हैं, किस चीजों में उनको ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, सबसे पहले वो बोलेंगे कि बर्ड फीड में ज्यादा उनको खर्चा लग जा रहा है। दूसरा, चिक्स को जो वो खरीदते हैं, मतलब मुर्गी के जो बच्चों को जो खरीदते हैं चिक्स के, तो उसके लिए ज्यादा खर्चा उनका बढ़ जाता है। और तीसरा, उनका जो खर्चा बढ़ता है वो वैक्सीनेशंस और दवाइयों के लिए। तो अगर आप इन तीन सेगमेंट में से किसी एक में भी हो तो आप पोल्ट्री के इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। समझिए इस बात को, जो किसान लोग जो एंड प्रोडक्ट जो तैयार माल बना के मुर्गे को बेचते हैं, तो उसका प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो मार्केट में जब भी चिकन का रेट ऊपर चला जाता है तो उसी के साथ साथ आपका जो बर्ड फीड का कॉस्ट बढ़ जाता है, दवाइयों का कॉस्ट बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ चिक्स का कॉस्ट, जो बच्चे हैं चूजे, उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और जब देखते हैं कि कोई खरीद नहीं रहा, तब ऑटोमेटिकली मार्केट में प्राइस डाउन कर देते हैं। तो जैसे ये चिकन का प्राइस मार्केट में डाउन होता है, उसी के साथ साथ बर्ड फीड, चूजे और ये दवाइयां और वैक्सीन, इसके भी प्राइस 10-10 रुपए से कम हो जाते हैं। आगे से किसानों का तैयार माल, मतलब पोल्ट्री का तैयार माल, आगे से बिके या ना बिके, वो उसमें फ्लक्चुएशंस हो या ना हो, बट इतना तो श्योर है कि उनको बर्ड फीड चाहिए होगा, उनको चिक्स चाहिए होंगे, और एट द सेम टाइम उनको मेडिसिन और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो तीन है ये एवरग्रीन सेगमेंट है। तो अगर आप पोल्ट्री के इंडस्ट्री में कहां पे प्रॉफिटेबल रह सकते हो, क्योंकि आपकी पोजिशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका पोजिशन अगर आप बर्ड फीड में रखते हो, या फिर चिक्स के हैचलिंग में रखते हो, या फिर आप अपने आप को वैक्सीनेशन या मेडिसिन वाले साइड में रखते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। बट वही अगर आप ट्रेडिशनल किसान होके बॉटम ऑफ द फूड चेन में अगर रहने, होना एक बहुत ही अनस्टेबल बिजनेस है। ये देख लीजिए पोल्ट्री के सेक्टर में होने वाले एक नुकसान के कैलकुलेशन को। देखिए, अगर 5 बार पोल्ट्री का बैच एक साल में निकलता है तो 2 बार नुकसान होता है और 3 बार फायदा भी होता है। बट फायदा तभी होता है जब किसान प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड हो, अपने जो सारे लीकेजेस को कवर कर सकती है, तभी जाके किसान सक्सेसफुल होता है। बट ज़्यादातर केस में देखा गया है कि किसान 2 बार फेलियर झेलने के बाद 3रे बार हिम्मत नहीं कर पाते, और ना ही उनके पास बैकअप मनी रहता है इसको सपोर्ट करने लायक, और ना ही उनके पास एक्स्ट्रा फंडिंग पड़ी रहती है, जिसको देकर किसान 3रे, 4थे और 5वें बैच के मुर्गियों को आगे बढ़ाने में साल भर में हिम्मत कर सके। पोल्ट्री के बिजनेस में उतरना तो काफ़ी आसान है, काफ़ी फास्ट तरीके से आप उतर सकते हैं, काफ़ी फास्ट तरीके से पैसे भी कमा सकता है, 40 से 45 दिन में बहुत आसान है। बट वहाँ पे टिके रहना, सर्वाइव और सस्टेन करते रहना, ये बड़ा चैलेंजिंग है। ये रहा इसका एक काफ़ी अच्छा प्रूफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक बिलिंग है जो कि पोल्ट्री फार्मर के मालिक को हुआ है। ये सारी बिलिंग हुई है जहाँ पे आप डेट, ट्रेडर्स का नाम, और उसके बाद बर्ड वेट, रेट, टोटल, ये सब कुछ देख पा रहे हैं। बर्ड कितने में सेल हुआ देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट लाइक 11 लाख करीब करीब ये सेल हुआ है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो फार्मर ने कितना कमाया, ये पूरा कैलकुलेशन इसका जीता जागता स्वरूप है। तो उसके हाथ में कितना रुपये लगे, लगे भी या नहीं लगे, 1,28,770 रुपये का उसको नुकसान हो गया। तो इसी के चलते
पोल्ट्री फार्मिंग जो बॉटम ऑफ द फूड चेन है वहाँ पे रहना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक या घातक भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑन द चांसेस। आज अगर आपने इस बार के लॉट में अगर आपने 2-3 लाख रुपए ज्यादा कमा लिए, तो अगले तीसरे या चौथे लॉट में आते आते यही जो 2-3 लाख रुपए आपने जो कमाए हैं वो अपने जेब से भी चले जाएंगे और घर से भी लगाना पड़ जाएगा। तो ये काफी अनस्टेबल बिजनेस है। तो आपको टॉप ऑफ द फूड चेन में अगर रहना है तो आपको इन 3 पोजिशन पे अगर आपने आपको स्टेबल करा सकते हो तभी जाके पोल्ट्री का इंडस्ट्री आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। और ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन था एज अ फार्मिंग का बिजनेस कंसल्टेंट होते हुए। तो बहुत ही बेशर्म होके ईमानदारी से आपको हमेशा हम लोग सच्ची चीज ही यहाँ पे किसान बिजनेस क्लिनिक में बताएंगे। तो ये फार्मिंग बिजनेस के एक्सपर्ट्स या फिर ट्रेनर्स आपके कैसे काम में आ सकते हैं? अगर आप एक फार्मिंग एंथुजियास्ट है और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन बटोरते बटोरते आप थक गए हो, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, या फिर आप फार्मिंग में जो भी देख रहे हो वही आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको ट्रस्ट करे और कहाँ से शुरू करे, और आपको क्लैरिटी भी चाहिए कि फार्मिंग का प्रोजेक्ट टेक्निकली कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, क्या लगाए उसमें, या फिर आप फार्मिंग को एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हो और आप समझना चाहते हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए, या फिर फार्मिंग में आपको मदद चाहिए कि प्रोफेशनल तरीके से फार्मिंग में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, या फिर फार्मिंग का प्रोजेक्ट डालने से पहले आप अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहते हो कि उसमें बनाए हुआ आपका प्लान, प्रॉफिट मार्जिन, या फिर उसका जो स्ट्रैटेजी है वो आपके लायक है भी या नहीं, इसको डबल चेक करके डबल वैलिडेट करना चाहते हो फार्मिंग प्रोजेक्ट डालने से पहले, सो दैट आपका हजारों रुपए लगा के लाखों रुपए का नुकसान जो फ्यूचर में हो सकता था उससे आप खुद को बचा जाओ। इन दैट केस आप हमसे किसान बिजनेस क्लिनिक में इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या फिर पर्सनल कंसल्टेशन भी आप हमसे इसका प्रोफेशनल तरीके से ले सकते हो। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग का बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट उनको सही तरीके से गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद।